नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारी बारिश और बाढ़ के चलते केरल के इडुक्की जिले के राजमला इलाके में भूस्खलन हुआ है। केरल पुलिस के अनुसार इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अभी और बढ़ने की आशंका है। वहीं 10 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। वन अधिकारी और अन्य आपातकालीन सेवा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना से संपर्क किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने बताया कि एक मोबाइल मेडिकल टीम और 15 एम्बुलेंस को इडुक्की भेजा गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई के पास है। इस मामले की जांच करने वाली टीम में बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली गगनदीप सिंह गंभीर भी शामिल है। 2004 बैच की गुजरात कैडर की आईपीएस गगनदीप इसके पहले भी कई गंभीर मामलों की जांच कर चुकी हैं। देश के बेहतरीन आईपीएस अधिकारियों में शुमार गगनदीप का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ और वो यहीं पली बड़ी हैं। कोरोना काल में शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने देश को एक और तोहफा दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान रेल से सस्ती दरों पर कृषि उत्पादों, खासतौर से जल्दी खराब होने वाली उपज के परिवहन में मदद मिलेगी। कांग्रेस पार्टी और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच बीजिंग में 7 अगस्त 2008 को हुए समझौते को लेकर दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय जाने को कहा। याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई और एनआईए द्वारा कराए जाने की मांग की गई थी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज दिल्ली सरकार ने ई वाहन नीति लागू कर दी है। इसके साथ ही सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी लोगों को देगी। केजरीवाल ने इस योजना के लॉन्च के दौरान कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार है। इसे दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है। आज से 5 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी, तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। दिल्ली के आबकारी विभाग ने फैसला किया है कि अब राजधानी में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। पहले इनका समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक था। इस तरह अब यह दुकानें 1 घंटे ज्यादा खुली रहेंगी। माना जा रहा है कि विभाग का यह फैसला दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लिया गया है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अपहृत जवान शाकिर मंजूर के कपड़े शोपियां में एक बाग में मिले हैं। मामले की जानकारी होते ही सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया है। बड़े पैमाने पर शुरू किए गए इस तलाशी अभियान में इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि बकरीद पर घर आए सेना के जवान का आतंकियों ने रविवार देर शाम अपहरण कर लिया था। जवान 162 टीए में दक्षिणी कश्मीर के बालापुर में 12 सेक्टर हेडक्वार्टर में तैनात था। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से शुक्रवार को कहा कि वह कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने की संभावना तलाशे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उच्च गति की इंटरनेट सेवा बहाल करने पर निर्देश लेने के लिए समय मांगते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है। उपराज्यपाल पद से जीसी मुर्मू के इस्तीफे देने के बाद मनोज सिन्हा को नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने पायलट आधार पर ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए छोटी राशि के भुगतान की अनुमति दे दी है। इसके तहत एक बार में 200 रुपए तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के अंतर्गत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर बैंक और गैर बैंक ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की पेशकश कर सकते हैं। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस के अंतरिक्ष संगठन रॉस्कोमोस की एक सहायक कंपनी ग्लेवस्कोमोस में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। एजेंसी ने बताया कि अंतरिक्ष यात्री अच्छे स्वास्थ्य में हैं और वे अपने प्रशिक्षण को जारी रखने को लेकर सुदृढ़ हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी क्रम में पुंछ जिले की शशितार वन क्षेत्र में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान एक आतंकवादी ठिकाना मिला जिसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। इस आतंकी ठिकाने से 2 AK-47 और 4 मैगजीन बरामद हुई है। सफल ऑपरेशन ने आतंकियों द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 1 अगस्त से गाड़ी चलाते समय सावधान रहने की जरूरत है। अगर 2 टोल प्लाजा के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 37 मिनट से कम समय लगा तो 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। एक अधिकारी के मुताबिक महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने इस सड़क पर वाहनों की तेज रफ्तार पर रोक लगाने के लिए एक निर्णय लिया है। एक्सप्रेसवे पर अतीत में कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं और उनमें से ज्यादातर की वजह तेज रफ्तार रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। फ्लोरिडा स्थित ट्रंप के रिसॉर्ट में शुक्रवार को 3 युवा AK-47 राइफल के साथ घुस गए। हालांकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पाम बीच पुलिस ने बताया कि ट्रंप उस वक्त वहां नहीं थे। रिसॉर्ट फिलहाल बंद है।
फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 100 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले कारोबारियों की सूची में शामिल हो गए हैं। फेसबुक इंक के शेयरों में उछाल की वजह से उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार मार्क जुकरबर्ग पहली बार इस सूची में शामिल हुए हैं। 100 अरब डॉलर क्लब में अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स पहले से ही शामिल हैं। खाड़ी देशों में चल रहे तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत कैली क्राफ्ट ने ईरान की दुनिया में आतंकवाद का नंबर एक प्रायोजक बताया। कैली ने रूस और चीन को आगाह किया कि अगर वे ईरान में संयुक्त राष्ट्र हथियार प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को बाधित करेंगे तो वे भी आतंकवाद के सह प्रायोजक बन जाएंगे। राजदूत कैली क्राफ्ट ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि रूस और चीन आतंकवाद के नंबर एक प्रायोजक देश के सह प्रायोजक नहीं बनेंगे और पश्चिम एशिया में शांति की महत्ता को पहचानेंगे। सऊदी अरब और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को धमकी देने वाले पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अपने ही देश में बुरी तरह से घिर गए हैं। सऊदी अरब के पैसों पर पेट पालने वाले पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने कुरैशी पर जोरदार हमला बोला है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN ने आरोप लगाया कि कुरैशी देश के बेहद महत्वपूर्ण हितों के साथ खेल रहे हैं। इस आलोचना के बाद अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ एक जादुई असर करने वाली वैक्सीन को बना लिया है। इसराइल ने कहा कि अभी उसे इंसानों पर परीक्षण के लिए सरकारी अनुमति लेनी होगी। इस वैक्सीन का शरतकालीन छुट्टियों के बाद परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गांस ने इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च का दौरा कर इस वैक्सीन के बारे में जानकारी ली। लद्दाख और दक्षिण चीन सागरों पर पड़ोसियों के जमीन पर कब्जा करने की तैयारी में लगा चीन अब मध्य एशिया में भी अपनी विस्तारवादी सोच को बढ़ाने में लगा है। चीन की आधिकारिक मीडिया ने अब तजाकिस्तान के पामीर पहाड़ों पर दावा करना शुरू कर दिया है, जिससे इस बेहद गंभीर मध्य एशियाई देश की चिंता बढ़ गई है। चीन और तजाकिस्तान ने वर्ष 2010 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसके तहत उसे पामीर इलाके का 1158 किलोमीटर इलाका उसे मजबूरन देना पड़ा था। लंदन की एक अदालत ने PNB धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इसे लेकर भारत में विभिन्न जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। इस मामले में मोदी के सहयोगी मेहुल चौकसी भी भारत में वांछित है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वे कोरोना वायरस के प्रतिरक्षण के लिए सैकड़ों लोगों को प्रयोगात्मक टीका लगाएंगे। टीके के अभी तक के परीक्षणों में इसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न होने की बात सामने आने के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन भी इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में असरदार पाई गई है और उसका भी बड़े स्तर पर ट्रायल होना भी बाकी है। कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए दुनिया का इंतजार खत्म होता दिख रहा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि रूस की वैक्सीन ट्रायल में सफल रही है और अब अक्टूबर महीने में देश में व्यापक पैमाने पर लोगों के टीकाकरण काम शुरू होगा। आयरलैंड के पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन यूम का सोमवार को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह जानकारी उनके परिवार ने एक बयान में दी है। BBC के अनुसार उनका निधन सोमवार तड़के लंदन डेरी में स्थित ओवन मोर नर्सिंग होम में हुआ। पूर्व शिक्षक और उत्तरी आयरलैंड में 30 सालों से अधिक समय तक सर्वोच्च प्रोफाइल वाले नेता रहे यूम को 1968 में नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान प्रसिद्धि मिली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में OPD, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111488444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ
चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS।